ये तो भाई घर जा रहे हैं, मैं सुना हूँ। सही में घर जा रहे हैं? ये तो मटर वगैरह पैक कर दिए। इतना पैसा लगवाए आप, लेकिन फिर भी चूर है। देखिए ना, यहाँ जाता है और दही की क्वांटिटी बढ़ाता है। तो श्रीनी बताओ कहाँ बसता है? नहीं पता, बाद में बताऊंगा। और दोस्तों क्या हालचाल, समझते हैं? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आपका एक और नए ब्लॉग पे स्वागत है। रात को 12:30 बजे नोटिफिकेशन, घर के बाद घर कितने बजे पहुंचा? 1 बजे। तो कल हम लोग देवगढ़ गए थे, तो मैंने कुछ वहाँ बनाया नहीं। रीज़न है थोड़ा मोड़ा बनाया वीडियो वगैरह वहाँ का, मैं उस चलना वहाँ का आपको ब्लॉग मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद शाम को जैसे ही पहुँचे, थोड़ा मोड़ा 5 बजे तक का ब्लॉग बनाया वहाँ, 3-4 मिनट का। उसके बाद 5 बजे के बाद इतनी तेज़ बारिश ना भाई 10 बजे तक, कि एक ऑटो में हम लोग ना फंसे रह गए। उसके बाद मैं कुछ बनाया नहीं, इसलिए आपको कल जो ब्लॉग डाला वो परसों का डाल दिया, परसों का नहीं और कभी का। तो गुरु जी नहा धोकर रेडी हो गए हैं। पानी खत्म हो गया था, तू 1 बजे कैसे पहुँचा? उसके बाद घूमे ना, फिर 2-3 घंटा नहीं घूमेंगे यार। क्या घूमेंगे वहाँ, कुछ था पानी के अलावा? हाँ पानी देख रहे थे। हाँ गर्म देख लेता, टंकी नहीं नहीं वो वाला पानी नहीं था, तो नदी वाला पानी था। नदी थोड़ी है वहाँ, कहाँ पे नदी? मजा आया था, लेकिन उसके बाद मैं भिंग भिंग के थोड़ा सा घूमे फिर। रात के 1 बजे तक अच्छा हुआ मैं आपको नहीं ले गया, अगर मैं इनको ले जाता ना तो मेरा माथा खा लेते। कार इनको कहाँ फंसा दिया है तुमको, मतलब इनका भाई सुनील फंसे रहना समझ रहा है तू? आप पसंद नहीं करते, मैं सुनील तो खूब मजा लिया, लेकिन मैं सुनील एक लड़का और गया था। आप जाते तो आप बोलते चल इनको घर, इनको चल घर। भीगते हुए घर आ जाता यार, इतना थोड़ी भीगते हुए आए हम लोग, थोड़ा सा लेकिन उतना नहीं भीगे। मेरे भाई आ गया था 10 ही बजे आ गया था, अनिल भी गया था, किशन भी गया था, भीगते हुए आए लोग। हाँ उन लोग भीग चुके। सोनू का अंबिकापुर गया था, बोल रहा था उसका कार का पूरा चक्का डूब गया था पानी में, आगे वाला 10 की स्पीड में चला के लाया। हाँ आगे पीछे दोनों भाई। अच्छा पानी भर गया था ना, आगे का बस चक्का डूबेगा। अरे मैं बोला खराब हो गया होगा, डेबो नहीं करवाओ। बहुत बुरा हाल था यार, गंदम 20 के नोट रखे थे अभी आप। बस यही पानी नहीं गिरता है, हाँ 10 का खाऊंगा, 10 ही दूंगा ना। दुकान लगे आ गया हूँ, पानी पूरी कमी रखा हूँ आज, क्योंकि ना थी ही नहीं। ये देखो क्योंकि कल ना सब लोग वहाँ चले गए थे, कल बनाए नहीं, अब इसी को बेचूंगा बस इतना। क्या भैया जो भी खाइएगा खुला दीजिएगा। अरे खुला से याद आया कि परसों मेरे पास 200 रुपये का चेंज आया था, उसको मैंने अलमारी में जो कपड़ा का मेरा वो लेयर लगा हुआ है उसके नीचे दबा के आ गया और वहीं पर रह गया। और ये ना पानी छलक गया आज, तो तवा में देख रहे हो कितना साफ, पूरा तवा ऐसे था, पूरा तवा ऐसा हो गया, आज को साफ करना पड़ेगा थोड़ा। कहाँ खाओगे भैया? 2 मिनट पानी निकाल रहा हूँ। प्रधानमंत्री का जल नल योजना चालू हो चुका है। देवगढ़ तो मेला नहीं गया था, पिछले बार गया था, आप लोग को पता भी है। अब इस बार ना जमड़ी का सोच रहा हूँ, अब जमड़ी में ना ऐसे ही मौसम रहेगा जैसे कि अभी मौसम है तो नुकसान हो जाएगा। वैसे भी सामान वगैरह पूरा महंगा है, बिकेगी नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। रात को ही बारिश हो जाएगी जैसे देवगढ़ में हुआ, मतलब गारंटी नहीं है कि होगा ही, लेकिन क्या गारंटी कि नहीं होगा। तो वही सोच के मैं मन कर रहा है जाऊँ, मन कर रहा है नहीं जाऊँ। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि जाना है कि नहीं जाना है एक बार, ठीक है? तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें ना क्लच प्लेट लगवा दूँगा चेतक में, ताकि कोई दिक्कत ना हो फिर। ये जो मौसम देख रहे हो ना, आधा घंटा से ना ऐसे ही कर रहा था, तो यही एक कारण है सबसे बड़ा कि मैं जमड़ी सोच रहा हूँ ना जाऊँ। लेकिन वही है यार, चौपट हो जाएगा पूरा। ज़्यादा पानी पूरी तो लाया नहीं था, 800-900 रुपये से भी हो चुकी है। अभी 2 बजने वाले हैं, अभी अपन यही बची हुई है मान लो। इसमें से ना थोड़ी सी निकाल लिया था मैं उसी दिन, और आज ये एक पन्नी मान लो मोटा मोटी बची हुई है। और इतनी बड़ी तिरपाल में लगाया हूँ और आज ना ये तिरपाल फेल हो गई, क्योंकि ना पानी देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो पूरा तिरपाल नीचे कुछ आ रहा है, देख रहे पतंग उड़ रहा है। 500 रुपये दूँ? 5 का नोट दूँ? नहीं है मेरे पास सिक्का, नहीं है 5 का। अरे काट देखो कर को देना है यार। अरे सर हो चाहे मैडम हो आप, लेकिन है नहीं ना मेरे पास, 10 का है दूँ? अरे 10 का रखा 5 वाला हिसाब। अच्छा अभी 24 जी ना पराठा 25 रुपये कर दिए हैं, उसी चक्कर में ना 5 वाला लफड़ा होता है, पहले 20 का था ये 25 कर दिए हैं। चाट की सेटिंग तो ठीक ठाक है, अभी टिकिया ना दोबारा बना चुका हूँ, घर से कम ही लाया था, अभी लास्ट बनी बची हुई है। बस झटका लग जाए, अब झटका शायद ही लगेगा, ठीक है ना? कल जो देवगढ़ गए थे ना वो लोग घर ही में होंगे, स्कूल तो आए नहीं होंगे, इसलिए सीलिंग कमी है। इसको बंद कर देता हूँ बार बार, ताकि बार बार सीले नहीं। चाट बनाना है भैया का 1 प्लेट। एक बड़ा टिक्की बना दिया हूँ, लास्ट में आलू बचा था ये। आज सांचा भी मेरे घर में छूट गया, तो इसको हाथ से गोल गोल करना पड़ा मेरे को।
तो अभी ठेला को छोड़ के ना चौपाटी में आ गया हूँ, कुछ कुछ खा लिया मैं भी। क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? डाई नहीं करवाया बाल में? मुझको करा है डाई, बाल में करा लेंगे ठीक हो। नया नया मौसम परेशान कर, क्या करेंगे। 5 बज गया है और अंधेरा ऐसा हो गया जैसे 7 बज गया हो। जल्दी बैठे, जल्दी चाट पहले। चाट बचा हुआ है, मटर डाल दिया पूरे तवा में। देखो भैया फंसे हुए हैं वहाँ पे, देखो गाय के पीछे बैठे हुए हैं। जो मैं छाता रखे रहता हूँ अपना, वही वाला छाता भी दूंगा उनको, तो घर जाएंगे उसके बाद। चाट कैसे चाहिए, हाफ फुल चाहिए? 10 रुपये हो गया। अब ये चाट बची हुई है, इसको बेच लेता हूँ मैं। छाता दे दीजिएगा ना, रिंकू भैया जा रहे हैं घर। कहाँ घर जा रही है, उसमें बैठ के चले जाएगी ना। देखिए बढ़िया जुगाड़ हो गया ना तेरा। छाता भी दे दीजिए, छाता भी दे दीजिए, ले जाएंगे घर इसको। कोई ऑटो वाला आया नहीं था, एक ऑटो यहाँ खड़ा था फूलों के चला गया, एक ऑटो ये खड़ा हुआ है। अब ये लोग ना रह गए बाहर ही, उसमें जगह ही नहीं है बैठने के लिए। अब ये तो फूल हो गया तो चला गया, जाओ। अरे तिरपाली मैं सोच रहा हूँ खोलूँ खा लूँ, जाऊँ मैं भी यार। क्या भैया बताइए, हाँ कितना? ठीक है, एक बाबू चाट खा रहा है, एक चौबीसी चाट खा रहे हैं, और दो चाट पैक कर दिया हूँ। नमक डाल दूँ? चलिए मिक्सर ले लीजिए, लीजिए ना, ले बाबू मिक्सर। कलर में कैसे दिख रहा है? तुम्हारा शक्ल भी तो कलर दिख रहा है, पता है। मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरा भी शक्ल दोपहर में ना नीला नीला दिखता है एकदम। छाता मैं दे दिया हूँ रिंकू भैया को, चले गए घर। और अब तिरपाल खोलने में, दोनों उठाने में, साफ करने में टाइम लगेगा ही, और 10-15 मिनट लगने के चक्कर में तो मैं भी भीग जाऊँगा पूरा। और कुछ लोग तो भाई पैदल ही चल दिए यार। और साहू जी अभी आए हैं, ये वाले मकई वाले, मकई वाले साहू जी। एक मेरा दोस्त भी है साहू जी, तो उसमें मैं साहू जी बोलता हूँ, जितना साहू है सबको साहू जी बोल देता हूँ। साहू जी बोलते हो। ये नज़ारा बहुत खतरनाक है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, लेकिन खतरनाक के साथ साथ बहुत ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसीलिए है, पानी बरसेगा तो खेती होगी, और खेती होगी तो आलू प्याज मटर रहेगा। क्या भैया, दो चाट पैक है और भैया का पता ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ट्रैफिक वाला काहे ट्रैफिक वाला है तो नहीं भाई यहाँ पे। हाँ है तो बिल्कुल बोलेगा यार, जाओगे तो इधर जाना है। पूछ लो, जाके जाके पूछ लो ना एक बार। आए है बारिश, खाता भी चला गया, नहीं तो मैं तो काम करने लगता भाई। अभी दो प्लेट चाट पैक करवा के ले गए हैं, रखा हुआ है पता नहीं कहाँ गए। चाट खोल के मसाला बनाने वाला था और इन लोगों को और भैया को खिलाने वाला था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और जस्ट टाइम पे आया एकदम सही, मैं चक्कू पकड़ लिया था मैं इसको ही, कहीं खुलेगा तो नहीं, इसको काटने वाला था मैं। ये लीजिए 10 रुपये, सब सामान समेट दिया हूँ, थोड़ा बड़ा भींग भी गया यार। चलते हैं घर, मैं सोच रहा हूँ बाल वगैरह भी कटवाना है मेरे को। संजय भैया थोड़ा सहायता करिएगा, आगे और आगे और आगे निकालूंगा ना आगे से। आगे कर लीजिए ना, फिर कर लीजिएगा पीछे। अरे तो उतना जगह है ना, उतना आगे करिए ना। अरे मस्त, हाँ हो तो गया, कहाँ यार। ले भाई चौपाटी में आ गया हूँ, चौपाटी का भी हाल ऐसे ही है पूरा। बारिश पड़ रहा है, बारिश बारिश पड़ रहा है, बारिश बारिश पड़ रहा है, बारिश बारिश। ए लड़ाई मत करो तुम, दुकान लगाओ ना प्रदीप। घर जब अपना जब किराए में भी रहते तो अपना ही कहलाता है वो, सब इसको चमकाते रहते हैं। बुढ़ऊ का दिक्कत है, मौसा ही नहीं मेरे। अरे बुढ़ऊ नहीं है, ये जवान है, 16 साल के हैं। कौन बोलता है बूढ़ा है, भींग देखो बूढ़ा है। ये कहाँ गए ना, कहाँ गए? बहुत बहुत पानी, भगवान के तो भींग के आया, कमल उड़ के सोता था, 1:30 बजे उठा हूँ मैं, इधर मरवाया रात को। रात को मैं जब देवगढ़ से आया, भींगते हुए आया, और रात को ना कम से कम 2 घंटे ठंडा लगा मेरे को। इतना टाइम हो गया, दुकान खोलो ना जल्दी से। भैया पानी बहुत गिर रहा है। तो पानी तो गिरेगा ना, भींग गया भैया। हाँ
पसीना नीचे से पानी चू रहा है पानी भीगने के बाद, कोई बिक्री नहीं है भैया। अरे खोलोगे तब तो बिक्री होगा यार। अरे तो खोलने जा रहा हूँ, बिक्री नहीं है भैया। ये पापड़ी चाट का एक दुकान एक छोर लगने लगा यहाँ पे, देखिए चौपाटी में ये रहा। पानी तो तेज हो गया यार, बहुत तेज। और इसको नहीं पता कहाँ प्रदीप भैया, पानी 2 बजे से आ रहा है ना, कहाँ मजा आ रहा है इनको भीगने में? पानी आ रहा है इनको भीगने में, कहाँ मजा आ रहा है? आ रहा है मजा उनको ना, उनको मजा ही आ ही गई। देखो ना दादा, हर चक्के के नीचे ना एक पत्थर लगाना पड़ता है ताकि बैलेंस बन जाए। मेरे को बोलते भिगाओ यार, जल्दी करो ना। जवान हो, कम रे, कम रे, कम रे, कम रे, कम थोड़ा, थोड़ा कम। 10 रुपए सब मिक्स कर दीजिएगा ना, ठीक है? का चीज जाओ, घर जाओ, घर जाओ। इतना पैसा पे लगवाए आप, लेकिन फिर भी चू रहा है। देखिए ना, यहाँ जाता है और दही का क्वांटिटी बढ़ाता है। दही दही अभी नहीं बढ़ा रहा है ना, अभी तेज पानी आएगा तो देखना बढ़ाएगा। नहीं बढ़ाएगा, हटा देता हूँ। दही को हटा देते हो ना? हाँ हो गया, चटनी मिला दीजिएगा ना बढ़िया से। क्या बात, नहीं खोलना था कहाँ, गलती कर दिए दुकान लगा के यहाँ। ले 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 ले, खाओ खाओ ले। जाओ, अब कहाँ हाथ मार रहा है, जा भूंजवा दूसरा। 10 रुपए का भून दीजिए ना, सिलाई दे लीजिए बिना 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 चाय। एक कस्टमर है नहीं, चिल्लाएगा बहुत ज्यादा वो। प्रदीप हाँ, काहे कोई है नहीं कस्टमर, चिल्लाएगा। अब एक कस्टमर जाएगा तो उनमें भीड़ जाएगा। अंदाजी बोल विकास भैया वाले में चटनी मत मिलाना। कहाँ बैठू क्या कहोगे भैया? चाट फुल्की खा लिए। ये तो भाई घर जा रहे हैं, मैं सुना हूँ सही में घर जा रहे हैं। ये तो मटर वगैरह पैक कर दिए। ए विकास पैक कर चल ना, सही में घर जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो गया यार। ले ले बाबू 10 रुपया। मैं आ गया हूँ और सामने देख रहा हूँ कितना तेज पानी भरा हुआ है यहाँ पे पूरा भाई बीच में। तो बाहर का सब लोग नहीं तोड़ रहा है, मैं घर में आ गया था, बाजार से आया, सेविंग भी करवा ली, थोड़ा सा सेट करवा लिया, खाना पीना खा के सोने जा रहा हूँ। सर में एक तरफ में दर्द हो रहा है बहुत तेज, गोली भी लाया था लेकिन गोली खाया नहीं अभी तक, ज़्यादा हो तो फिर खा लूँगा, खाना खा चुका हूँ। अब गोली खानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लाया, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर मैं भीगा हूँ, नाक भी पूरी जाम है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पेंट कर देता हूँ भाई, मन ही नहीं कर रहा है। मैं सोचा जाऊँगा अभी थोड़ा सा योगेश और गुरु जी के यहाँ, कुछ काम था, राखी वगैरह वाला कुछ काम था। अब राखी लगाने की तैयारी हो रही है, मान लो सब पैकिंग हो गई है, ठीक है। मैं मिलता हूँ सुबह यार, बाय बाय।